देखो इधर अपना बैग वैग बांधा हुआ है, अभी मैं इस पे बैठूंगा कैसे, ये देखो ये ऐसे करके। प्रवीण भाई गाड़ी चलाते चलाते थक गए एकदम तो थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहे हैं। और क्या हाल? तो गाइस अभी नोएडा में पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। यार अभी हम लोग प्रयागराज से निकले हैं लद्दाख के लिए, और सबसे पहले अभी हम लोग का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम लोग नोएडा में रुकने वाले हैं। तो आज पहले तो हम लोग नोएडा पहुंचेंगे और वहां स्टे लेंगे भाई हमारे उनके यहाँ। बाकी भाई प्रवीण भाई अपना साथ में है, और ये अपनी धन्नो है भाई। इस तरह देखो हमने इस पर बैग बांध दिया है दोनों, इसमें सारी चीज़ें अपना हम लोग ने जो भी है वो सारा चीज़ कैरी कर लिया है, इतना यूज़फुल चीज़ें हैं। बाकी ये देखो भाई, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखते रहो मस्त। अभी रुके थे भाई हम लोग समोसा वगैरह खाने इनके यहाँ, अब यहाँ निकल रहे हैं भाई, पानी की बॉटल ले लिए और निकल रहे हैं मस्त। ब्लॉग को आप लोग देखते रहे, इन्जॉय करते रहिए हमारे साथ में। यार अभी मस्त हाईवे पे रुके हुए हैं हम लोग, और मौसम इतना चौचक वाला हो रहा है भाई। रेनकोट वगैरह नहीं लिए अभी हम लोग, और ऐसा लग रहा है बारिश ना हो जाए, बट मौसम बहुत ज़बरदस्त वाला है भाई। बस अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहे, बस हम लोग चलते रहे भाई। प्यास बहुत तेज लगी थी तो पानी पीने के लिए रुक रहे हैं भाई, बहुत तेज मुझे भी प्यास लगी है। भाई पानी गर्मी में पानी पीते रहना चाहिए। लो भाई पकड़ो, पियोगे तभी जियोगे। अब भाई पियोगे तभी जियोगे। बाकी अपनी धन्नो भाई, और ये रहा हाईवे मस्त, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। बाकी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं वो लोगों को मैं बता दूं, मेरा दो इंस्टाग्राम है, एक पे मेरे 108 के हैं फ्रॉम प्रयागराज के नाम से, और दूसरा मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है सिद्धू प्रयागी के नाम से, उस पर 10K आज ही हुए हैं भाई। बाकी प्रवीण भाई का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है कुमक्कड़ प्रवीण के नाम से, आपको इंस्टा की लिंक जो है जितने में इंस्टाग्राम बताया मैंने वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा भाई, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। अभी 2-4-5 मिनट के लिए हम लोग इस हाईवे पर रुके हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है और बस निकलने ही वाले हैं। तो गाइस ये है कानपुर हाईवे, अभी कानपुर हाईवे पे हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा बहुत। मौसम भाई मस्त हो रखा है, अपनी धन्नों को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं और हम लोग भी रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करना ज़रूरी है भाई। और बहुत मस्त है रोड, हाईवे तो मस्त है भाई, तो आराम से हम लोग निकल रहे हैं धमाधम। बॉटल भाई सही से कहीं रख दो, बाकी अपनी धन्नो ये चेकआउट करो भाई। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं रामपुर थरीवार, और ये है हाईवे। प्रवीण भाई कैसा लग रहा है? मजा आ गया भाई, खुशी है अलग ही जाने की। बस यही उम्मीद करते हैं भाई, अपना ये जो सफर है ये दिन में पहुंच जाए के आराम भाई, चलता रहे चलता रहे, पहुंचेंगे ठीक है। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे प्यार दोगे तो भाई ये सफर हम लोग का चलता ही रहेगा, मतलब लद्दाख जा रहे हैं हम लोग, इसके बाद कहीं और भी जा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बस ट्रिप को आप लोग इन्जॉय करो साथ में, बस अपनी धन्नो है, धन्नो को भी रेस्ट देना ज़रूरी है और हम लोग को भी रेस्ट करना ज़रूरी है। पानी वगैरह पी लो भाई थोड़ा बहुत, 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी। तो गाइस ये देखो प्रवीण भाई गाड़ी चलाते चलाते थक गए एकदम तो थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं।
200 किलोमीटर गाड़ी लगातार अभी तक, हाँ अभी तक 200 किलोमीटर लगातार वही प्रवीण भाई चलाते आ रहा है, और 200 किलोमीटर अभी तक हम लोग आ चुके हैं भाई, और लगभग अभी तो 800-900 किलोमीटर हम लोग को जाना है। ब्लॉग को देखते रहिए भाई, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आएगा यार। बाकी ये हाईवे है तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं जल्दी। बाबा अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग हैं अभी रामपुर कुछ करके था, यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भाई मार एकदम गाड़ी 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 आ रही हैं, तो इसीलिए निकलना पड़ेगा। देखो इधर अपना बैग बांधा हुआ है, अभी मैं इस पे बैठूंगा कैसे, ये देखो ये ऐसे करके आई साहब चलते हैं। ब्लॉग देखते रहिए भाई, और कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट कुछ भी कमेंट करो, कमेंट करो भाई, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, सब कमेंट करो, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो यार, आप सबके लिए इतनी मस्त वीडियो बनाएंगे, सब मस्त जर्नी होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को देखते रहिए पूरा एंड तक, देखिएगा ब्लॉग को, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो भाई एकदम रात हो गई है और बस है इस समय 8:18 हो गए हैं, और भाई भूख भी लग रही है। तो कानपुर में रहती है भाई रवीन की दीदी, तो हम लोग अभी दीदी के पास कॉल करने वाले हैं, भाई खाना वहाँ कानपुर पे हम लोग खाना ना खाएंगे और फिर खा के वहाँ से निकलना है। भाई कॉल ये कर रहा है अभी, बात उत कर ले फिर हम लोग निकले भाई, बाकी पूरा हाईवे ही है ये यार। अभी पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके थे, अभी पेट्रोल पंप तो यहाँ पे हम लोग पानी नहीं थोड़ा बहुत पी के तब यहाँ से निकल रहे हैं। पानी पीते रहना है भाई, बहुत गर्मी है। क्यों प्रवीण भाई चला जाए, बहुत गर्मी है। चल भैया चल, तो गाइज अभी हम लोग कानपुर से दीदी के यहाँ खाना ना खा के मस्त निकल चुके हैं, और अभी इस समय रात के लगभग 12:12 बज रहे हैं, 12:11 और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई। अभी हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का नोएडा रहेगा, और एक्सपेक्टेड टाइम सुबह के लगभग 7-8 बजे तक हम लोग नोएडा पहुँच जाएंगे, आराम आराम जाएंगे भाई, रुकते हुए आराम से सफ़र का मज़ा लेते हुए धीरे 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 निकलते रहेंगे। बहुत शांति है भाई रात में, हर जगह शांति रहती है रात में, बहुत मज़ा आ रहा है, आराम आराम से जा रहे हैं भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे सुबह के 8-9 बजे तक। तो यार बाबा बहुत ज़्यादा थक गए इस टाइम तो हम लोग, अभी अभी इस समय सुबह के 3:30 बज रहे हैं, और लगातार हम लोग ड्राइव कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें समय से नोएडा पहुंचना है, फिर नोएडा पहुंच के हम लोग रेस्ट भी करने वाले हैं। बाकी सामने ही कोई स्कूल है, कोई इंटरनेशनल स्कूल है, और यहीं पर हम लोग रुके हैं। थोड़ा मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना नंगे पाँव थोड़ा चल लिया जाए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। प्रवीण भाई आंखें मेरी लाल लाल हो गई, गांजा फूके हो गया भाई, पूरी रात बाइक चलाने पे आंखें नहीं गाढ़ा लाल दोनों की आती है। नाइस नाइस नाइस, क्या बताएं भाई। एक बात तो समझ में आई आज कि खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर ऐसे ही दिख जाता तो हर कोई ना देख लेता यार, तो भाई मेहनत कर रहे हैं हम लोग वो खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए, शायद जिन नज़ारों को हर कोई नहीं देख पाता भाई। बाकी ये नेशनल हाईवे है जहाँ हम रुके हुए हैं, आराम से किनारे गाड़ी लगा लिए,
कल 11 बजे रात से ही निकले हुए हैं भाई, और अभी सुबह हो गई है और अभी रास्ते में ही हैं हम लोग, और नोएडा अभी पहुंचना है हम लोग को। फिलहाल तो नोएडा में जाके थोड़ा बहुत हम लोग को रेस्ट करना है, तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। यहाँ से नोएडा लगभग 280 किलोमीटर है, और सुबह हो गई है भाई लगभग 6 बज रहे हैं, 5 या 6 के बीच में हो रहा है। इलायची खा रहा हूँ भाई थोड़ा सा ताकि माउथ फ्रेश हो जाए। बाकी बहुत मस्त मौसम लग रहा है भाई, इधर ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है क्योंकि बारिश हुई थी इधर, तो इस वजह से ठंडा है। बाकी भाई इधर ना मकाई बहुत बोई गई है, इधर तो काट दी गई है हम लोगों ने, उधर देखा, उधर दूर दिखाता हूँ अभी आपको, ये उधर जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, वो पूरा मकाई बोई गई है इधर, और किसान पूरा इधर मतलब मकाई ही बोते हैं यार, बहुत बढ़िया अच्छे उस पर। और ब्रो भाई भाई अपना देखो बाल झाड़ रहा है, भाई भूत बने तू। हाँ भाई वायरल क्या हाल चले गाड़ी चला चले जाते भाई की हालत खराब हो चुकी है। हो भाई अपनी धन्नो को भी आराम देते हुए, खुद आराम हम लोग करते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए बस यूं ही चल रहे हैं, चलते हैं भाई क्योंकि अभी 280 किलोमीटर का और सफ़र अभी तय करेंगे, तब जाके हम अभी नोएडा पहुंचेंगे। मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तो नहीं पहुंच रहे हैं, बट अभी नोएडा में हम लोग रेस्ट करना है, बिकॉज रेस्ट बहुत ज़रूरी है, हम लोग बिल्कुल भी सोए नहीं हैं अभी। तो यार ड्राइव 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 करते हुए आ रहे हैं, बस ब्लॉग को देखते रहिए भाई, जल्दी हम लोग पहले नोएडा पहुंचते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। भाई अपना कुल्ला कर रहा है, कुल्ला सुबह हो गई भाई, थोड़ा नाश्ता पानी दे, यहाँ कौन सा नाश्ता मिल रहा है तुमको, ये मिले के घूमते हैं। कल्लू भाई काफी कल्लू हो गए भाई, अरे अरे और अभी इस समय हम लोग पहुंचे हैं भाई यमुना एक्सप्रेस वे जो है वहां पे, और वाकई में भाई एक्सप्रेस वे ही है ये मस्त, बट बहुत ज़्यादा लंबा रूट लग रहा है, एकदम बोर हो गए भाई अपने गाड़ी चलाते चलाते, तो फिर अभी ये लड़का तो एकदम थक गया, हार गया जिंदगी से, हार गए अभी और दम है। नहीं, हाँ अभी बहुत दम है मेरे, ना दम है बहुत दम, उस देर थोड़ा बहुत यार रेस्ट कर लें फिर निकलें। अब लगभग अभी ये मान के चलिए आप लोग कि 2 घंटा और लगेगा हमें अभी नोएडा पहुंचने में, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, थक इसलिए गए कि पूरा रात दिन हम लोग ने राइड किया, इस वजह से थक गए, स्टे नहीं लिया गया। तो गाइस अभी नोएडा में पहुंच गए हैं, नोएडा सेक्टर 59 में हमें अभी इस समय, और भाई भूख बहुत तेज लगी थी तो प्रवीण भाई ने कहा यार कुछ खाया जाए, तो अभी हम लोग लीची खा रहे हैं, लीची ये इधर लिया हमने जुगाड़ के साथ, मस्त कर दिया, आधा किलो लिए थे और ख़त्म हो गई गाइस ये देखो आए मस्त गर्मी में, मस्त गर्मी में भाई लीची खाइए, बस हाँ गंदगी मत करिएगा। बाकी यार नोएडा बहुत ही साफ़ सुथरा है, मतलब इतना साफ़ सुथरा है भाई क्या ही बोले, नोएडा में बिल्कुल गंदगी नहीं है, थोड़ी बहुत गंदगी है बट मतलब बहुत साफ़ है भाई, और इतने ज़्यादा पेड़ है नोएडा में ना यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत अच्छा मतलब माहौल है यहाँ का, लोग इतना मतलब बहुत अच्छे से यहाँ के ट्रैफिक रूल्स वगैरह सब पालन करते हैं भाई। बाकी खाते हैं भाई, थक गए बहुत, रेस्ट करना है फिर निकलना है लद्दाख।